दिनांक 22 जुलाई 2022 को घोषित हुए कक्षा 10वीं तथा 12वीं के सीबीएसई परीक्षाओं के नतीजे एक बार फिर शहर की शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्य सारस्वत पब्लिक स्कूल अजनी ने बरसों से चली आ रही अपनी शत प्रतिशत रिजल्ट की परिपाटी को कायम रखा है। मिताली कुमार 98%, रुद्रांश धोटे 97.20%, निधि सोनी 96.40%, वेदांत महंत 96.40%, पंकज मिश्रा 95.40%, मानस पालीवाल 95% अंक लाकर शाला का नाम रोशन किया। वहीं 24 छात्र छात्राएं डिस्टिंक्शन तो वहीं 46 छात्र छात्राएं फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 12वीं के कुल 15 छात्र छात्राओं ने भी इसी प्रकार से अंक अर्जित किए। सभी सफल छात्र छात्राओं को सारस्वत पब्लिक स्कूल अजनी की प्राचार्य शिमला सिंह, सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढूंढेले, संत जगनाडे महाराज पद संस्था के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर योगेश पाटिल, दैनिक निर्भिण के संपादक पांडुरंग भोंगाडे आदि मान्यवरों के हाथों पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुझे आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसको क्लियर करके कॉलेज, पेरेंट्स को, स्कूल टीचर्स को, हार्डवर्क वगैरह कुछ और मेरा हार्डवर्क और सबकी मेहनत थी। टीचर्स ने बराबर गाइड किया, हमने उनकी बातें सुनी और मला छान वाटत आहे, कारण की आज माझा रिझल्ट आलेला आहे, तर माझं ते रिझल्टचं श्रेय सगळं माझ्या पॅरेंट्सला आणखी माझ्या टीचर्सला आणखी त्यासोबत माझ्या मित्रपरिवारांना पण देऊ शकतं देते मी, कारण की त्यांच्या सपोर्टमुळेच आज मला इतके पर्सेंटेज आलेले आहे। त्यांनी मला कधी पण चांगले कार्य करायला सांगितले आहे। मुझे आगे चलकर नीट करना है और डॉक्टर बनना है। बेटा आपको क्या बनना है? तैयारी फिर बहुत मेहनत लगती है, मेहनत करेंगे। आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है रिजल्ट का। रिजल्ट जो सारस्वत पब्लिक स्कूल का जो एक ट्रेडमार्क बना हुआ है कि 100% रिजल्ट, आप उसको कैसा देखते हैं? विशेषता बनी है कि हर साल 100% रिजल्ट रहता है। मैडम, ये बार बार 100% आप अचीव करते हो तो इसके पीछे का सक्सेस के पीछे का राज? सक्सेस के पीछे का राज है डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलर प्रैक्टिस। आप कुछ ऐसा विशेष ध्यान देते हो बच्चों के तरफ जिसके कारण वो उसकी लगन बनी रहे, उसका एक लय बनी रहे? विशेष ध्यान जनरली मुझे लगता है कि अगर दिमाग की स्थिरता है तो बच्चा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसके लिए मैं रोज मेडिटेशन बच्चों को कराती हूँ जिससे उनका कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो, वो कंसंट्रेशन बना। जैसे शारीरिक योग बहुत जरूरी है, हम रोज एक्सरसाइजेस करते हैं, उसी तरह से दिमाग का योग भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं 15 मिनट्स रोज मॉर्निंग में, जैसे ही बच्चे प्रीमाइसिस में एंटर करते हैं, 15 मिनट्स का मेडिटेशन जिसको कहा जाए दिमाग का योग, वो करवाते हैं। दिमाग की स्थिरता कायम करने के लिए ये मेडिटेशन हम करते हैं और उसी का ये रिजल्ट है। सावनेर से NBCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।